तो फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स 16 दिसंबर स्ट्राइक डे फर्स्ट जो दो दिन के स्ट्राइक का कॉल किया गया है उस स्ट्राइक आज पहला दिन था और देश के कोने कोने से एक सक्सेसफुल स्ट्राइक की खबर आ रही है चाहे वो गुवाहाटी हो चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बनारस हो हर कोने से खबर आ रही है और सारे बैंक एम्प्लाईज चाहे वो महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हमारी आवाज एक है और हम इस बिल को प्राइवेटिजम बिल को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं फ्रेंड्स इसको लिए ह्यूज सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम यंगस्टर्स टू बैंक स्ट्राइक कॉल अगेंस्ट बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी वन यंग लीडर्स एंड एक्टिविस्ट राइजिंग आउट देयर प्रोटेस्ट एवरीवेयर आपको बता दूं कि बैंक स्ट्राइक सपोर्टेड बाय रेलवे एम्प्लाईज इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ बी एस एन एल स्टाफ एल आईसी फार्मर लीडर्स ट्राइबल लीडर्स यूथ लीडर्स अपोजिशन लीडर्स पेंशनर्स डिसेबल्ड स्टूडेंट्स सोशल मीडिया गवर्नमेंट मस्ट बी कॉशन कॉसस ऑन पासिंग द बैंकिंग लॉ बिल इसके अलावा आपको याद होगा कि ढाई हजार लोगों ने इन पेनेटिक में अपना जान दिया था किसके लिए इन देशवासियों के लिए इस जनता के लिए ताकि इनको किसी प्रकार से असुविधा ना हो ये स्ट्राइक अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि व्हाट फॉर 80 परसेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री हु ट्रस्ट ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक और इस बारे में डिफरेंट क्लिपिंग्स आपको दिखाई देगी और क्लिपिंग्स आ रही हैं और वीडियो भी आ रहे हैं लेकिन एक दुखद बात यह है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन बैंकर्स को सपोर्ट करने के लिए फोकस देना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा तो प्रिंट मीडिया नहीं दे रही है हाँ और ना गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदार अफसर इस बारे में कोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन फिर भी हमें जानते हैं कि सक्सेसफुल होगा और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई देगा ताकि वो अपना डिसीज़न बदल सकें और ये आइडिया ड्रॉप कर सकें फ्रेंड्स इसके अलावा रिटायरीज पेंशनर्स के लिए रिटायरीज के लिए एक न्यूज़ था कि ए आई बी आर एफ न्यूज ए आई बी आर एफ एफ ए आई बी आर एफ यानी कि ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एसोसिएशन फेडरेशन की जो है वो उनका क्या उद्देश्य है? इस न्यूज में आया था कि सभी बैंक रिटायरी संगठनों के में समन्वय स्थापित करना तथा रिटायरीज की सभी मांगों के समाधान के साथ साथ बैंक रिटायरीज यूनाइटेड फोरम बनाकर सरकार समस्याओं का उचित व सम्मानजनक समाधान करवाया जा सके इस संदर्भ में ए के पदाधिकारियों का अधिकतर बैंक रिटायरीज संगठनों से बैठक का प्रयास सफल हो रहा है तथा एकता के बारे में सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो रहे हैं और अभी और प्रयास की जरूरत है इसी सिलसिले में प्रयासरत दिनांक 9 और 10 दिसंबर 21 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली कार्यालय पर दो दिन के धरने पर श्री आर एस शर्मा जी तथा साथ में एआई के महासचिव श्री जुगल किशोर जुलका जी तथा अन्य पदाधिकारी धरने पर बैठकर सरकार पर बैंक रिटायरी की मांगों को जल्द से जल्द समाधान के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया यूनियन बैंक के उच्च अधिकारियों ने शर्मा जी को बुलाकर धरना समाप्त करने पर जोर डाला इस मौके पर श्री धर्म सिंह जी भी मौजूद थे दोनों द्वारा धरना समाप्त न करने पर यूनियन बैंक के उच्च अधिकारीगण ने आई को तथा को तथा आई सरकार बैंक के विभाग को धरने की जानकारी दी गई इस धरने के माध्यम से जनता का भी समर्थन हम बैंक रिटायरी साथियों को प्राप्त हुआ उन्होंने प्रयास किया गया यूनियन बैंक के उच्च अधिकारियों ने शर्मा जी को बुलाकर और जानकारी दी इस धरने के माध्यम से जनता का भी समर्थन बैंक रिटायरी साथियों को प्राप्त हुआ तथा उन्होंने सरकार के कारनामों पर हैरानी जताई इस अवसर पर आए हुए साथियों और समर्थित जनता के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार के सभी बैंकों पर बारी बारी और जोर से प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे कुछ दो मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन और फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी की मांगों को सरकार मान नहीं लेती है सभी रिटायरिंग भाई बहनों से अनुरोध है कि इस नेक कार में भरपूर सहयोग दें फ्रेंड्स यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि यू बी बैंक के रिटायरीज के मुद्दों को उतनी एक्टिवली टेकअप नहीं करता नंबर दो जो हमारे रिटायरी एसोसिएशन बने हुए हैं वो बिखरे हुए हैं एक सूत्र में नहीं हैं जिससे उनकी वॉयस स्ट्रांग नहीं हो पाती है ए आई बी आर एफ की जो परिकल्पना है जो संकल्पना है कि बैंक यूनाइटेड फोरम बनाकर सरकार पर उचित और सम्मानजनक दबाव समाधान करवाने के लिए जो नीति बनाई गई है वो ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि जब हम सब संस्था एक साथ मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनेगा और हमारी जो मुख्य समाधान समस्याएं हैं पेंशन अपडेशन और दूसरा हेल्थ केयर इंश्योरेंस अगर इन दोनों मुद्दों पर हम अपनी जीत बना सकें अपना दबाव सरकार पे बना सकें और इसको अगर पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ रिटायरीज का मुख्य ये मुद्दा सफल हो बनाने में सफल होंगे समाधान करवाने में सफल होंगे फ्रेंड्स हम ए के इस परिकल्पना और संकल्पना का हम उचित कदम मानते हुए सराहना करते हैं और प्रयास करेंगे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से इनका मुद्दा उठाते रहें ताकि हमारे रिटायरी साथियों के पास ये मैसेज पहुंचता रहे और हम अपने अपने स्तर से इनको सपोर्ट देते रहें थैंक यू फ्रेंड्स अगले अपडेट के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू